मास्टर मोहनलाल बीजेपी के सीनियर नेता अपनी सादगी ते बेबाकी लिए जाने जाते हैं। जो भी कोई मुद्दा उठता है खुल के अपनी गल रखते हैं। अज इन्हां नाल कई मुद्दे ते गलबात करांगे। सब तो पहले पठानकोट का जिक्र करांगे। कांग्रेस के जिन्हें भी लीडर्स ने कहते हुए नजर आए ने मास्टर मोहन लाल जी की बहुत विकास किया है। असी तुसी किस तरह देखते हो साढ़े चार साल के कितना क विकास कांग्रेस ने पठानकोट के किया? मैं जी न्यूज़ का शुक्रगुजार हाँ। पठानकोट के विकास तो पहले मैं पठानकोट की जोग्राफिकल सिचुएशन समझ लेनी चाहिए। कुदरत ने पठानकोट को जोग्राफिकल इन्ने खूबसूरत स्थिति पर रखा है और पंजाब की जिनी वेल्थ सी ना जी दैट वेंट टू वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। पंजाब एक डिस्ट्रिक्ट सारा पैसा जड़ा जी पंजाब का जाता रहा। ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जाता रहा या राजनीति के कारण जाता रहा। मैनू इस गल का अफसोस है कि ये बेल्ट सारी की सारी इग्नोर रही। हूँ जी साढ़े चार साल का तुसी प्रश्न किया है कि कांग्रेस के डिवेलपमेंट के काम, मैं समझना जे गलियां नालियां बुलाना इनू डिवेलपमेंट कहिंदे ते कांग्रेस नू मुबारकबाद है। मैं समझना जे कांग्रेस ये कहती है कि असी ये सड़कां जिहड़ियां उहदे ते लुक पवाती है ते विकास करते हैं तो उन्होंने मुबारक है। असी इस पठानकोट के विकास वास्ते हार्डशिप च इनिया मुसीबतों च भी इनू कारपोरेशन बनाया। इस पठानकोट नू मैं खुद बादल साहब नू इत्थे लै करके आया, जिला बनाया। जिला बनाने तो बाद सब तो पहला ये काम किया कि इसका देहाती इलाका जिहड़ा सीगा मीरथल तो दीनानगर तक दे मिलने वाली सड़क थी 58 करोड़ रुपया लगा करके वह बनाती। पठानकोट की रिंग रोड बनाती कि पठानकोट च ट्रैफिक बहुत है, ये रिंग रोड बना दिओ। इस तरीके दे नाल बना करके इस पठानकोट नू एक नुहार देने की कोशिश की। दूसरी बेनती मैं करा, पठानकोट च एक्सपेंशन बहुत नहीं हो सकती। इस करके नहीं हो सकती कि ये चारे पासे मिलिट्री तो घिरिया, ये फौजी छावनी है। देश का सौभाग्य है कि पठानकोट ने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, बंगलादेश की लड़ाई लड़ी। असी खुद जदों 65 की लड़ाई लड़ी आई वॉज अ यंग एट दैट टाइम, असी जिहड़े पाकिस्तान के प्रिजनर फड़ के लियांदे सी उन्हां गड्डियां च बिठाते सी, अमनूशन ढो ढो करके गड्डियां च बिठाते सी। पठानकोट के लोगों की देन हिंदुस्तान दे नहीं सकता, पर पठानकोट नूं जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर डिवेलपमेंट पक्षों बड़ा पिछे रखे जी। मास्टर मोहन लाल जी, तुसी एक डिस्ट्रिक्ट की गल की, तुसी पटियाला का जिक्र कर रहे हो क्योंकि पटियाला के लोग कहते हैं कि उत्थे भी कोई ज़्यादा विकास नहीं होया। नहीं नहीं, पटियाला की मैं पटियाला तो है ही सकता ना, मैं बठिंडा की गल करना। मैक्सीमम अमाउंट ऑफ पठानकोट पंजाब पंजाब का सब तो ज़्यादा पैसा बठिंडे नूं तक दिता गया। किस दे टाइम च सब तो ज़्यादा पैसा लगे है? हुण ये किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ मैनूं तुसीं कहोगे तो मैं बोलांगा नहीं। वो इस करके नहीं बोलांगा कि भी राजनीतिक तौर पर यह मेरे लिए दृष्टता होगी कि मैं किसी पार्टी च रह करके किसी पार्टी के खिलाफ। तुसीं बोले ना, इसलिए मैं पूछा कि पता होना चाहिए है कि केड़ी सरकार ने सब तो ज़्यादा, क्योंकि तुसीं इन्ने सीनियर नेता हो, लगातार देख रहे हो। मैनूं पता है कि बठिंडा एक पिंड सीगा, अज तो कोई 30 साल पहले मैं जदों गया रेतला इलाका सीगा और आउण जाण दे साधन भी कुछ नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई हनुमानगढ़ नाल उहदी लगदी सी गट। अज मैं जाके देखदा मैं कमाल है जी। वो इस करके कि पैसा सारा डाइवर्ट ही उधर होंदा गया, ये तिन्ने जिले जिहड़े सी ने इग्नोर रह गए। इस करके मैं तुहानूं ये बेनती कर रहा, पटियाले च भी चले गए पैसे, बठिंडे चले गए, इधर लोगों को पूछा ही किसने नहीं। अच्छा मास्टर मोहन लाल जी, जे मुद्दों की गल की जाए, इलीगल माइनिंग की गल हो या फिर नशियां की गल हो, पठानकोट सब तो ज़्यादा मनिया जाता है कि सब तो ज़्यादा अवैध खनन इत्थे हुंदा है। इस दे नाल ही जे गल की जाए नशे, पंजाब सरकार कहती है कि असी नकेल कसती, असी नशे का लक तोड़ता। जिन्ना नशा इन्हां 4.5 साल च होया कि नहीं जी, जिथे असी बैठे हैं अरीना गुलशन, ये पदड़ोए पिंड का हिस्सा है, पदड़ोए के पार चक्की है, पदड़ोया और चक्की, इन्ना नशा है कि मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो 4-5 नौजवान चक्की डूब के मरे ना हो। नशा खत्म की करना सी, नशा बधाता। गुटका साहब की कसम खा करके कैप्टन साहब ने एक कसम खाधी सी, मैं महीने के अंदर अंदर खत्म करांगा नशा। नशा बढ़ गया, माइनिंग
ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੋ। ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਤੀ ਅੜਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧਰਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੜਾਧੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਧੜਾਧੜ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, 50 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਮ ਅਤੇ ਖੰਭ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੂੰਦ ਅਗਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
अनिल जोशी जी बीजेपी च ही रहेंगे, तुसी भी बीजेपी च ही रहोगे? नहीं असी तो जम्मे पले हाँ बीजेपी, मैं जितों तक अनिल जोशी का तो मैनू पता नहीं, पर जितों तक मास्टर मोहन लाल की जात का सवाल है, मास्टर मोहन लाल का ना ही भारतीय जनता पार्टी तो बनया, मैनू अगर जानता ही कौन सीगा, मैं तो एक कार्ड पुलर सीगा, मैनू तो ना ही अगर मिले है तो भारतीय जनता पार्टी तो मिले। हुण इह भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहना, इहदे च काम करना, इहदे च मर जाना, यही सिखिया सी। अच्छा मास्टर मोहन लाल जी, पंजाब कांग्रेस ने प्रधान बदल दिता है, यानी कि आला कमान ने पंजाब कांग्रेस का नवा प्रधान लगाया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कमान दिती है, कह रहे ने संगठन मजबूत होगा, ये तो लगता है कि पंजाब बीजेपी के विच भी कोई ना कोई बदलाव करना चाहिए? नहीं, बीजेपी इस वेले एडवर्स सरकमस्टांसिस जिसलिए किसानों का अंदोलन चल रहा है, जिसलिए असी संगठन खड़ा कर रहे हैं, इस वेले बीजेपी की लीडरशिप को बदल का सवाल ही पैदा नहीं होंगे। जितों तक सिद्धू जी का सवाल है, 2 महीने च तुसी बड़े सियाने एंकर हो, मैं तुहानू ये कहना 2 महीने के बाद देख लेना, ठाई ठाई फुस हो जाना। कल उन्हां दा भाषण देखिया तुसी, वो किस लगता ही नहीं कि किसी पार्टी के प्रेजिडेंट का भाषण है, वो भाषण तो किसी मेरे वर्ग आदमी जो मैं रामलीला स्टेज तो मैं भी इस तरह तलवारा हला हला करके कर दें। सिद्धू साहब एक पार्टी के प्रेजिडेंट बने ने, पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस पार्टी का प्रधान बनया है जिसे पिछे 135 साल का इतिहास है। अगर उस पार्टी का प्रधान इस तरीके ना भाषण दे रहा है और अपने चीफ मिनिस्टर की कोई इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहा, उस तो भी ऑब्जेक्शनेबल गल मैं तुहानू बेनती करना चाहना। तुसी सुनील जाखड़ जी का भाषण सुने जे? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि कैप्टन साहब बड़ा चंगा किया, किसानों का मूँह केंद्र सरकार वाल मोड़ दिता है, नहीं तो सानू पंजाब से चलना मुश्किल हो जाता, तुहाडी सूझबूझ है कि तुसीं किसानों का अंदोलन दिल्ली भेज दिता है। देखो एदा बड़ा षडयंत्र है, यानी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा षडयंत्र किया है कि किसानों का अंदोलन जिहड़ा स्टेट सबजैक्ट सीगा वह केंद्र के गले मरता, एक सिद्ध करता सुनील जाखड़ जिहड़े कांग्रेस के प्रेजिडेंट है उन्होंने द्वारा सिद्ध करता। सुनील जाखड़ जी ने यह गल कही है तो तुसी भी कह रहे हो कि स्टेट का सबजैक्ट सीगा, फिर केंद्र ने अजिहा फैसला क्यों लिया जिहड़ा स्टेट नाल जुड़िया होया सीगा? देयर आर 3 लिस्ट, 3 लिस्ट ने जिहदे उत्ते एक केंद्र सरकार काम कर सकती है, पंजाब स्टेट सरकार काम कर सकती है, एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंस जिहड़ी लिस्ट है या स्टेट सबजैक्ट की जिहड़ी लिस्ट है, केंद्र सरकार ओमनीपोर्टेंट है, वो किसी भी सबजैक्ट के उत्ते किसी भी कोई कानून बना सकते। दूसरी बेनती मैं कहना चाहना, कदे भी कोई कानून बनते ने जनता नू पुछ करके या समाज के किसी वर्ग नू पुछ के नहीं बनते, पर बनने चाहिए ने। कानून जिहड़े बनते ने वो लोगों की भलाई लई बनते ने, उहदे च ऊणताइयां रह जांदियां ने, वो ऊणताइयां देखणियां ने जुडिशरी ने, जिहड़ी न्यायपालिका ने उन्होंने वो ऊणताइयां देखणियां। मैं तुहाडे माध्यम नाल किसानों ने कुछ ऊणताइयां दसियां, असी बड़ी फराग दिली नाल बेनती करना चाहते हैं किसान मित्रों, हर ऊणताई जिहड़ी एक्ट है असी उन्हों दूर करन नूं तैयार हाँ। तुहाडे माध्यम नाल बड़ी ताकतवर आवाज़ नाल मैं गल कर रहा, असी हर ऊणताई जिहड़ी बिल्लां च रह गई है असी उन्हों दूर करन नूं तैयार हाँ। किसान मेरे वीर ने, मेरे परिवार के अंग ने, देश के अन्नदाता ने, मैं उन्होंने कहांगा कि तुसी तोमर साहब की गल मनो और टेबल टॉक से आओ। 2022 दियां चोणां लई बीजेपी किन्नी तैयार है, इस दे नाल ही किसनूं तुसी चुनौती मानदे हो, क्योंकि अकाली दल जिहड़ी तुहाडे नाल हमेशा अलायंस दे विच रही है वह हुण तुहाडे नाल गठजोड़ उन्हां दा टुट चुक्या है, किसनूं चुनौती मानदे हो 2022 च? तुहानूं लगदा है कि अकाली दल नाल इक बार फिर तो जिहड़ा अलायंस करना जरूरी है? मैं अर्ज करां जी, कोई राजनीति च पता नहीं कल की हो जाणा, जिवें मैं पहले कीता, अज श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता नूं छड्ड करके गया, कल फिर मिल सकने हैं। जिहड़ा BSP ने अलायंस होया है, कोई नैचुरल अलायंस नहीं है, स्वभाविक अलायंस नहीं है, पोलीटिकल अलायंस नहीं है, वक्ती अलायंस है। जिहड़ा BJP और श्रोमणी अकाली दल का अलायंस सी, दैट वॉज ए नैचुरल अलायंस। एक कम्यूनिटी सिख कम्यूनिटी रिप्रजेंट करती है, दूसरी हिंदू कम्यूनिटी, दोनों कम्यूनिटियाँ मिल के चलनगियाँ, पंजाब विकास से चलेगा, इस नीयत नाल असी गठबंधन किया सीगा। और अज जिहड़ा BSP दा और श्रोमणी अकाली दल दा, मैनू नहीं लगता कि उहदे च कोई तथ्य है, कोई वास्तविकता है, हवाई गल्लां ने, कल टुट जाए परसों टुट जाए कोई पता नहीं है।
आम आदमी पार्टी नू किस तरह देखते हो, क्योंकि हर कोई कह रहा है जो ग्राउंड की असं जो गल करते हैं अजिहे लोग ने जो कहते हैं कि एक मौका जो आम आदमी पार्टी नू देना चाहिए। एक प्रसैप्शन आम आदमी पार्टी एक प्रसैप्शन पंजाब च छड्डण च कामयाब है। प्रसैप्शन है, इट इज़ नॉट ए ट्रुथ, सच्चाई नहीं हैगी। एक प्रसैप्शन आप पार्टी ने पंजाब च छड्डी है कि साड़ी सरकार आ रही है, साड़ी सरकार आ रही। और मैं ये कह रहा कि उन्हां दी सरकार नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हां को लीडर ने कैडर नहीं है। बूथ ते खड़े होने वास्ते आदमी कितों लियाउणगे, कार्यकर्ता कितों लियाउणगे? जब तक कार्यकर्ता नहीं होगा कोई पार्टी कैडर तो बगैर खड़ी नहीं हो सकती। ये आपका यही कहना है। 2022 दे मुद्दे जड़े ने वो छाए रहेंगे लोगों नाल जुड़े हुए? बीजेपी दे कोल अनेक मुद्दे ने, हुण भी मैं मीटिंग छड़ करके आया, मुद्दों की भंडार है। कांग्रेस ने लोगों नू लाली पा दिता, गलत वादे किए, लोगों नू भरमाया घर घर नौकरी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, रेत माफिया खत्म करांगे, नशा खत्म करांगे, कीता कुछ भी नहीं। अज तो 30-35 साल पहले जो मैं पहले पहले MLA बनिया सीगा, ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लिया, 200 एकड़ जमीन लोगों की लई खाली पई है, ना कांग्रेस ना बाकी सरकार ने कोई इंडस्ट्री लगा के दी है। अगर कोई काम करना तो विकास का यह हो ना जी, ए धार ब्लाक है बेचारा, उतों बहर के लोगों ने आके जमीन खरीदियाँ, पहाड़ों के पहाड़ समतल करते गए। यह मेरे को मनवाल एक पिंड है, एडिया बड़िया बड़िया पहाड़ियाँ सगिया, सब पोलिटिकल लोग रोच के लै गए, खरोच के लै गए, मिट्टी बेचती, जो धरती बेच दी, कोई पूछना जी? मैं यही बेनती करना चाहना कि विकास के कामों च सारिया सरकार अगे आन, भावें वह कांग्रेस की है, भावें वह BJP की है, भावें श्रोमणी अकाली दल की है। पंजाब के लोग तरस रहे ने कि इसका विकास होना चाहिए और पठानकोट का खास करके विकास होना चाहिए, इतने कोई ना कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। मीडिएटर जो बने हुए हैं चाहे हरजीत गरेवाल जी हो या फिर सुरजीत जियानी जी हो किसान केंद्र सरकार विचाले, तो लगता है कि उहदे विच कोई बदलाव होना चाहिए, क्यों हाले तक सल्यूशन जो निकल नहीं पा रहा? सल्यूशन दरअसल किसान जिस गलते अड़ गए है, किसानों भी हूँ उतों पिछे हटना मुश्किल है। मैं फिर भी क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, केंद्र सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, केंद्र सरकार नू हर तरीके नाल घाटे का सौदा करके भी किसानों नू टेबल टॉक से लिया चाहिए, मैं अज भी कहना चाहना। और तुसी उम्मीद करो, मैं उम्मीद छड्डी नहीं हैगी, मैनू लगता है कि ये महीना सवा महीने के अंदर अंदर ये अंदोलन किसानों का मोदी साहब ने खत्म करा लेना। खत्म किवें होगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि रद्द करो, केंद्र सरकार कह रही है अमेंडमेंट्स करा लो पर असी रद्द नहीं करांगे। तोमर साहब का ना इनविटेशन है, उस इनविटेशन स्वीकार कर लेन, क्या शायद कोई उन्होंने को मसला हल करने का तरीका हो। तोमर साहब ने इनविटेशन एक्सटेंड किया है, उन्होंने कोई ना कोई होएगा ना जी हल करने का तरीका, इस करके बैठन किसान जान।